गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम फिर आपके साथ PYQ लेके हाजिर है। और बच्चों, ये PYQ पॉलिटिकल साइंस की है, यानी कि पॉलिटी की PYQ कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे वो हम सारे वन बाई करेंगे। तो बच्चों, इस PYQ को हम देखते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बच्चों, तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन जो कि NDA 2015 फास्ट से रिलेटेड है बच्चों, 2015 के फास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है क्या, द सेकंड 5 ईयर प्लान दैट कॉल्ड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज कॉमनली रेफर्ड टू एज द, यानी कि इसमें क्या पूछा गया कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्लान आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। बच्चों, अब इसकी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों, दूसरा जो सोशलिस्ट, जो समाजवादी विचारधारा थी, जो दूसरा प्लान हमारा बनाया गया वो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी विचारधारा से रिलेटेड बनाया गया था। और समाजवादी मॉडल क्या है बच्चों, एक्चुअल में महानोबिस प्लान उसको बोला जाता है, महानोबिस प्लान। तो आपको यह ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब बच्चों, इसमें नेहरू प्लान, पीपल्स प्लान, हॉर्ड डोमर प्लान ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग प्लान था बच्चों। लेकिन दूसरा जो प्लान था वो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी प्लान था, इसलिए हमें क्या करना है, महालोनोबिस प्लान लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा किससे रिलेटेड है, NDA 2015 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। और अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, भाई अगर मौलिक अधिकारों की बात करोगे आप तो राइट टू फंडामेंटल कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो एक्चुअल में आर्टिकल 12-35 में राइट टू फंडामेंटल आते हैं। क्योंकि पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आर्टिकल 1-4 स्टेट यानी कि दैट इज भारत, भारत इज इंडिया, और आर्टिकल 5-11 में सिटीजनशिप, और पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12-35 राइट मतलब आपका फंडामेंटल ऑफ राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार आ जाएंगे। अब बच्चों मौलिक अधिकार में कौन सा नहीं है, इन्होंने ये पूछा कौन सा नहीं है। अब देखते हैं कौन सा नहीं है। राइट टू एजुकेशन बच्चों, राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में है, आर्टिकल 21 एक ही बात करेंगे, तो उसमें 6-14 साल के बच्चों को एजुकेशन के लिए बोला गया है, तो ए तो है। अब बच्चों सेकंड ऑप्शन को एक बार हम छोड़ देते हैं, राइट टू वर्क को छोड़ देते हैं, थर्ड पे चलते हैं, राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन। भाई आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, भाई कोई भी वर्क करने का, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का अधिकार आपको राइट टू फंडामेंटल में है। तो कौन सा अधिकार नहीं है बच्चों, राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार नहीं है आपको। और इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, ए तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि कोड देखना है ए और बी, यानी इन्होंने एक और दो दोनों दे दिया, तो ये क्या रहेगा आपका, पूरी तरह गलत रहेगा। उसके बाद 2 और 4 दे दिया तो ये भी गलत रहेगा, और डी में देखें तो 1 और 3 दिया ये भी गलत रहेगा, और सी ऑप्शन इसका पूरी तरह राइट रहेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका सी ऑप्शन राइट लेना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों NDA 2015 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस, कि भाई भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, यानी कि कौन सी चीज इन्होंने पूछा है कि शामिल है। अब देखो बच्चों, इसको जब हम लेते हैं तो पहला ऑप्शन इसका देखते हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया, भाई ये तो 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब देखते हैं द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, बच्चों आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 3 लिस्ट दी गई है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में दी गई है, 7th शेड्यूल में दी गई है। तो आपका राइट ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा बच्चों, बी आपका राइट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। अब देखते हैं आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भाई आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है,
देखो मैंने आपको बच्चों बताया था कि आर्टिकल 368 जो हमारा रहता है वो संविधान के संशोधन से रिलेटेड है और एकमात्र आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड रहता है। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों कि इन्होंने क्या दिया है, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू एमिट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 352 to 360 में दी गई है, यानी कि 352 से लेकर 360 नंबर आर्टिकल में रहती है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा। बच्चों ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि लोकसभा में जो सीटें रिजर्व की गई है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए की गई है और वो कौन से 368 आर्टिकल बताता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करोगे तो आर्टिकल 342-351 तक आर्टिकल चलता है, यानी कि 342 से लेके 351 तक हमारा आर्टिकल चलता है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो बच्चों ये भी नहीं रहेगा। अब 368 किससे रिलेटेड है, तो बच्चों 368 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द एमिट द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की संसद की पावर क्या है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई संविधान की मूलभूत विशेषता है, मूलभूत विशेषता नहीं है। देखो यहां पे अगर है तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, विशेषता नहीं है। और ये क्वेश्चन कब का है बच्चों, एनडीए 2015 फास्ट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन रहता है, यानी कि 2015 का ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और जब इसकी हम बात करते हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं, फंडामेंटल राइट, भाई संविधान की मूलभूत विशेषता है फंडामेंटल राइट्स। और बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के लिए कह भी दिया था कि आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संविधान की आत्मा है, यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है। तो फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 32, रिट डालने की अधिकारिकता। अब दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई भारत के संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है, अगर ये पूछता है तो पहला भी रहता दूसरा भी रहता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो हमारे बच्चों यहां पे जुडिशरी क्या रहती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस रहती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पिलर होते हैं, 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी संविधान का बेसिक फीचर है। अब बच्चों देखते हैं फेडरलिज्म। बच्चों फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, ये भी हमारे संविधान का क्या है, हमारे संविधान का मूलभूत फीचर है। अब बच्चों इसकी बात करें फेडरलिज्म होता क्या है, तो फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे किसी भी स्टेट को हमारे सेंटर से अलग होने की आजादी नहीं है, और जब स्टेट को सेंटर से अलग होने की आजादी होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं होता। बच्चों कॉन्फेडरल उसको बोलते हैं या अनफेडरल बोलते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है कि हमारे स्टेट को अलग होने की आजादी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, फेडरल रहता है। तो बच्चों ऊपर के तीनों फीचर तो हैं, अगर यहां पे नहीं आता कि ये पूछा जाता निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की मूलभूत विशेषता है, तो ऊपर के तीनों रहते, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है, तो नहीं है, तो द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू एमिट एनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारे यहां पे, राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से है, एनडीए 2015 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। भाई इन्होंने बोला कि भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब क्या रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में रहेगा। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज में रहेगा। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया, देखो यहां पे दूसरा ऑप्शन कट हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन हिंदी में यहां पे इन्होंने दिया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए। बिल्कुल बच्चों ये भी है हमारा, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंस करना भी, यानी कि सारे के सारे लोगों का कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू प्रोटेक्ट द
sovereignty, unity and integrity of India. भाई ये भी बिल्कुल है, यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा एक्चुअल में अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज आती किसमें है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चों पार्ट फोर ए संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर ए जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, और इसके लिए आर्टिकल है 51A, यानी कि 51A में। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करोगे तो पहले 10 थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई 11। तो बच्चों तीन ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब देखो बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, द रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। भाई कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इंडिया में नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी, यानी कि राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी। लेकिन बच्चों ये नोट नहीं आता यहां पे, तो बाकी के तीनों ऑप्शन आपके राइट रहते। और ये ध्यान रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कहां से आया है, एनडीए 2015 फास्ट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन रहता है। एनडीए 2015 फास्ट का ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 73 अमेंडमेंट। भाई इन्होंने क्या पूछा, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेसिक फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 73वें संविधान संशोधन की मूलभूत विशेषता। अब देखो भाई मूलभूत विशेषता की बात चल रही है, तो देखते हैं, प्रोवाइड फॉर ए थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज इंटरमीडिएट एनी डिस्ट्रिक्ट लेवल। भाई पहला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि जो पंचायत का स्तर है वो क्या होना चाहिए, तीन लेवल पे होना चाहिए। तीन लेवल पे किस प्रकार रहेगा बच्चों, पहला रहेगा ग्रामीण पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पे होता है, उसके बाद शहर, मतलब आपके ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ए ऑप्शन यहां पे कहीं नहीं दिया गया, तो अगले ऑप्शन पे हमें चलना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन इन ऑल द टायर्स ऑफ पंचायत। भाई ये भी बिल्कुल राइट है कि महिलाओं को क्या दिया गया है, महिलाओं को और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति को यहां पे सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत इलेक्शन में, तो ऑप्शन दो भी हमारा सही रहेगा। अब बच्चों एक और दो यहां पे कहीं नहीं है, तो अब हम चलते हैं थर्ड, जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया गया उस पर चलते हैं, इलेक्शन ऑफ पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। भाई बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है ये भी, कि इलेक्शन जो पंचायत का इलेक्शन होगा उसको कौन कंडक्ट करेगा, उस इलेक्शन को उसकी देखरेख राज्य का चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी देखरेख करेगा। ऑप्शन फोर में चलते हैं बच्चों, ऑप्शन फोर में जब जाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये भारत के संविधान की कौन सी शेड्यूल में दिया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के 11th शेड्यूल में ये है, तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट रहेगा बच्चों। अब 7th के ऑप्शन को देखते हैं कि हम इसमें चारों ऑप्शन किसमें राइट है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जब इसकी बात करते हैं बच्चों तो ए ऑप्शन पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है, 3 और 4 ये भी गलत, और इसके बाद डी 2 और 4 ये भी गलत, लेकिन सी ऑप्शन यहां पे पूरी तरह राइट रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है बच्चों, राइट ऑप्शन है, तो 1, 2, 3, 4 यहां पे पूरी तरह क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सेक्युलर वाज इंस्टीट्यूटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, ये क्वेश्चन कहां का है बच्चों, एनडीए 2015 फास्ट का क्वेश्चन है। और देखो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा डाला गया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की, तो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड बच्चों देखोगे तो इंदिरा गांधी ने जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बोला गया कि इंदिरा गांधी ने एक छोटा संविधान ही तैयार कर दिया, इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे संविधान में ही चेंजिंग कर दी थी, और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था बच्चों वो क्या था, सेक्युलर वर्ड से रिलेटेड था, यानी कि यहां पे धर्मनिरपेक्ष भी डाला गया, सोशलिस्ट भी डाला गया, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, सोशलिस्ट भी रहेगा, समाजवादी भी रहेगा। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट
इसका राइट ऑप्शन रहेगा। लेकिन बच्चों 44 अमेंडमेंट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया बच्चों उसको पूरी तरह वापिस से सही किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट में, यानी कि जो इंदिरा गांधी ने बदलाव किए थे उस बदलाव को दोबारा से 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सही किया था, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी इमरजेंसी के बाद तो उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके टाइम हुआ, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम हुआ, और ये किस टाइम हुआ, तो ये बच्चों उस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और सरकार यहां पे बनी मोरारजी देसाई पार्टी की, और उसके बाद उन्होंने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान को वापिस जो मूल स्ट्रक्चर था संविधान का उसमें लेके आए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एनडीए 2015 से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए 2015 के फास्ट में ये पूछा गया। द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर की बात हो रही है कि हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बच्चों इसकी जब बात हो रही है तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मैंने पीछे भी बात की थी कि एक आर्टिकल 32 है और एक आर्टिकल 226 है। जो आर्टिकल 32 है बच्चों वो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और इसमें क्या कर सकते हो आप, 5 टाइप की रिट निकलती है इसमें, 5 टाइप की रिट सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो, हैबियस कॉर्पस, मेमेंडस, क्यू वारंटो, सर्चियरी, इस टाइप की रिट बच्चों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट डाली जा सकती है, और आर्टिकल 226 जो है बच्चों इसके तहत हाई कोर्ट में डाली जा सकती है, यानी कि आर्टिकल 226 हमारा हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब बच्चों स्टेट का प्रमुख कौन होता है, हाई कोर्ट होता है, स्टेट की जुडिशरी का प्रमुख हाई कोर्ट रहेगा और सेंटर की जुडिशरी का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अब बच्चों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने की आधिकारिकता आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से मिलती है, तो सिंपल सा हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट को कौन देगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 देगा। अगर आपके साथ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, जैसे पुलिस ने आपके किसी बंदे को अरेस्ट किया और उसको डिटेन कर दिया, बहुत दिनों तक उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया, तो बच्चों आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हो कि हमारा आदमी गायब है और उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत पुलिस को पेश करने के लिए बोलेगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने अधिकार से बाहर जाके, यानी कि किसी ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाके कोई काम कर दिया, तो बच्चों उससे क्यू वारंटो रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट उससे क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप अपने अधिकार से बाहर जाके काम क्यों कर रहे हो। तो बच्चों आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट की अधिकारिकता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, एन इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। अब देखो भाई इन्होंने पूछा कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी किस स्थिति में लगाई जा सकती है, और बच्चों मैंने बात की थी कि इमरजेंसी आर्टिकल कौन से होते हैं। अगर इमरजेंसी आर्टिकल की बात करोगे आप तो आर्टिकल 352 to 360, यानी कि 360 तक इमरजेंसी आर्टिकल काम करते हैं। अब बच्चों हम ए ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है, वॉर, भाई युद्ध के आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी कि पहला शब्द हमारा बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल एग्रेशन, इसके आधार पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है बच्चों। इसके बाद और इंटरनल डिस्टर्बेंस, बच्चों इसके आधार पे इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, यानी कि ए ऑप्शन की बात करोगे तो दो स्टेप इसमें सही है बिल्कुल, लेकिन तीसरा स्टेप इसमें गलत है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। बच्चों जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इंदिरा गांधी ने भारत में जो इमरजेंसी लगाई वो बच्चों इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई। तो अब जब जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई ने, जनता दल की सरकार ने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 44वां संविधान संशोधन किया, और 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग मोरारजी देसाई की सरकार ने बच्चों इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्मेड रिबेलियन कर दिया।
कि भाई सशस्त्र संघर्ष होगा तो ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब बच्चों इसके राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो वॉर, देखो मैंने बताया ऊपर युद्ध बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल एग्रेशन बिल्कुल सही है, आर्मेड रिबेलियन सशस्त्र संघर्ष इसके आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मेड रिबेलियन के आधार पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन बच्चों सी ऑप्शन की भी बात करते हैं, फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल हो जाए, चुनी हुई सरकार काम करना बंद कर दे या चुनी हुई सरकार के द्वारा प्रशासन को सही ना चलाया जाए, स्टेट की सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार हरियाणा पंजाब राजस्थान इनकी सरकारें चुनी गई है और ये सरकारें सही से काम ना कर रही हो या ना कर पा रही हो, तो बच्चों सी के तहत यानी कि फिर आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। और ये कहां पे इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत। अब बच्चों चौथे की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि भाई देश की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए, जिस प्रकार आज पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्थिति खराब है और पाकिस्तान में अगर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलता तो वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की जाती, कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 360 के द्वारा, यानी कि आर्टिकल नंबर 360 के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को बदल के पूछा जा सकता है कि कितने टाइप की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो आपको पहली इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मी रिबेलियन के तहत, अब दूसरे टाइप की इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, कि भाई स्टेट की मशीनरी ही फेल हो जाए, सही से काम ना कर पाए, जिस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की प्रॉब्लम थी या पंजाब में कुछ समय पहले आतंकवाद की प्रॉब्लम थी, इसी प्रकार तीसरे में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि भाई देश का वित्त सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम करप्ट हो जाए या खराब हो जाए, तो उसके तहत कौन सी लगाई जाएगी इमरजेंसी, 360, आर्टिकल 360 लगाया जाएगा। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। हो सकता है बच्चों अगली बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछ ले या फिर स्टेट इमरजेंसी का पूछ ले, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति शासन का भरपूर यूज किया, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जब और गवर्नमेंटें काम कर रही थी कांग्रेस को छोड़ के, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने वहां पे राज्यपाल का शासन लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगना। और वो कौन सा होता है बच्चों, जब स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भाई ये क्वेश्चन एनडीए 2015 फास्ट से रिलेटेड है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित है, फोर्थ शेड्यूल से संबंधित है। और फोर्थ शेड्यूल की बात करोगे तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं प्रोविजंस रिलेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया, भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्राइबल्स एरिया से रिलेटेड फोर्थ शेड्यूल है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, भाई राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, राज्य परिषद, राज्यों की परिषद, देखो जिस प्रकार हमारे सेंटर में दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार बहुत सी स्टेटों में दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, राज्यों की परिषद की बात हो रही है, और राज्यों की परिषद में किस प्रकार सीटों का आवंटन किया जाएगा, तो बच्चों ये कौन सी शेड्यूल में दिया गया, फोर्थ शेड्यूल में। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि राइट ऑप्शन बी आ जाएगा। बच्चों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो बच्चों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसके बाद देखो भारत संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया है। अब भारत संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं डोगरी, असमी, बोडो, सिंधी, हिंदी, ये सारी भाषाएं स्टेट की, बहुत सी भाषाएं स्टेट की है, बहुत सी भाषाएं सेंटर की है, तो ये सारी की सारी भारतीय संघ की भाषाएं हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगली बार क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यों की सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब बच्चों
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये भी एनडीए 2015 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि 2015 के जो एनडीए का एग्जाम हुआ सेकंड एग्जाम उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डज नॉट अप्लाई ऑफ द स्टेट्स ऑफ, भाई भारत के संविधान के भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित राज्यों पर लागू नहीं होती। भाई कौन से राज्यों पर लागू नहीं होती जब इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं असम, मिजोरम एंड नागालैंड। भाई नागालैंड और मिजोरम तो सही है लेकिन असम गलत है यहां पे। तो बच्चों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि असम पे तो लागू है। अब दूसरा देखते हैं, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। भाई नागालैंड और मेघालय तो रहेंगे लेकिन त्रिपुरा नहीं रहेगा, तो यहां पे त्रिपुरा गलत है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब बच्चों देखते हैं तीसरा ऑप्शन, नागालैंड बिल्कुल है, मेघालय है, मिजोरम भी है, यानी कि भारत के संविधान के भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे लागू नहीं होती। तो बच्चों आपका राइट ऑप्शन रहेगा सी। तो बच्चों ये हमने आज पीवाईक्यू की, और ये पीवाईक्यू किससे रिलेटेड है बच्चों, तो ये पीवाईक्यू हमारी 2015 के फर्स्ट और सेकंड पेपर से रिलेटेड है। अब बच्चों नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पीवाईक्यू करेंगे, यानी कि 2016 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड करेंगे, और कौन से क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।